हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में, मतलब संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं और असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएँ जो है वो संवैधानिक हैं, मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको उनमें से कौन सी जो ऐसी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। ऑप्शन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहला, सेकंड है राष्ट्रीय सूचना आयोग, तीसरा है निर्वाचन आयोग और चौथा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड सेकंड है नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, थर्ड है इलेक्शन कमीशन, चौथा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनमें से कोई एक ऐसी ऑप्शन है आपका जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इसका आंसर मैं वीडियो की एंड में दूंगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था क्या होती है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। संवैधानिक संस्था वो होती है, मतलब सिंपल सा है कि संवैधानिक बॉडी मतलब संवैधानिक संस्था वो होती है जो जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल है, कितने आर्टिकल है हमारे संविधान में, 395 395 आर्टिकल है हमारे संविधान में। अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जिसका वर्णन हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में किया गया है तो वो क्या है, वो संवैधानिक संस्था हो गई, वो संवैधानिक बॉडी हो गई, क्योंकि उसका वर्णन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है, तो उसी को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड वन इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब सांविधिक संस्थाएँ क्या होती हैं, इसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं क्योंकि ये जो हमारे संविधान का पार्ट नहीं होती है। सांविधिक संस्था क्या होती है कि जिससे हमारी संसद हमारी पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाया जाता है, मतलब एक बिल आता है वो हमारी लोकसभा और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो है वो कानून बनता है। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी। मतलब स्टैच्यूट क्या होता है, स्टैच्यूट क्या का मतलब क्या हुआ, स्टैच्यूट होता है कानून, तो उससे हम क्या कहते हैं, सांविधिक संस्था, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाता है, जो कानून बनाया जाता है उसे हम संवैधानिक संवैधानिक सांविधिक संस्था कहते हैं। कन्फ्यूजन मत करना, क्योंकि संवैधानिक और सांविधिक दोनों अलग अलग मतलब है। उसके बाद आता है हमारा संविधानोत्तर संस्था, संविधानोत्तर जिसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं, इसको ही हम एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि इसको जो है ना कोई पार्लियामेंट द्वारा कानून पास किया जाता है, ना वो हमारे संविधान में उसका वर्णन होता है। इसमें सीधा होता है कि ये जो है सरकार के ऑर्डर पर बनाई जाती है, मतलब सीधा सरकार बोलेगी हमें ऐसी ऐसी बॉडी की ज़रूरत है और बॉडी बना दी जाए, और बस सीधे कंडक्ट कर दी जाती है। जैसे कि हमारा क्या प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, जानते हो आप, जो जिसको रिप्लेस करके नीति आयोग उसके स्थान पर आया 2014 में, जो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। और हुआ हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, वो भी क्या है हमारी एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इन दोनों को सांविधिक संस्था, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी ना, इन दोनों को हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी संवैधानिक संस्था है और कौन सी सांविधिक संस्था है और कौन सी संविधानेतर संस्था है। फर्स्ट शुरू करते हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी हमारी जैसे निर्वाचन आयोग, जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं, उसका वर्णन हमारे देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। लोक सेवा आयोग जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, वो राज्यों के लिए भी होता है, संघ का सेंटर का अलग होता है, राज्यों का अलग होता है, दो या दो से अधिक राज्य भी अपने लिए एक ही लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। ठीक है, इसका वर्णन जो हमारे आर्टिकल 315 से 323 में है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल कमीशन, आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल 338। और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 338A। ये जो इसके पीछे ए लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये जो कमीशन बनाया गया अनुसूचित जातियों के लिए, जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, ये हमारे संविधान को लागू करने के बाद बना है। इसमें जो है आर्टिकल 338 में क्या किया गया, संशोधन किया गया हमारे पार्लियामेंट द्वारा, फिर इसको ऐड किया गया हमारे संविधान में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, हम हमारे संविधान में कहीं भी आपको किसी आर्टिकल के पीछे ऐसा ऑप्शन है, मतलब कोई ABCD अगर लिखा हुआ दिखाई दे, तो इसका इसको देख कर ही मान लेना कि इसका इसका जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल इसका संशोधन किया गया है, उसके बाद ये चीज़ ऐड की गई है।
उसके बाद आता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड एडिटर जनरल। इसको जो है हमारे यहाँ संविधान के आर्टिकल 148 में इसके बारे में बात की गई है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो हमारी सरकार को जो है लीगल एडवाइस देता है, और ये है हमारे आर्टिकल 76 में है, 76 में है। और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो है लीगल एडवाइस देता है, वो हमारे आर्टिकल 165 में दिया गया है। इन सभी का एम लक्ष्मी काल में जो है एक एक पूरा पूरा टॉपिक है, एक एक वीडियो इस पर बनेगी। ठीक है, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं स्टेचुटरी बॉडी, सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था में पहला है मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग जो है हमारे पार्लियामेंट, मैंने क्या कहा था कि जो सांविधिक संस्था है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, वो हमारी पार्लियामेंट द्वारा जो है कानून बना के पास, जब हमारी पार्लियामेंट से कोई कानून बन के पास होती है। ठीक है, जैसे मानवाधिकार आयोग, ये जो है हमारे एक्ट पारित हुआ था 1993 में। सूचना आयोग 2008-2005 में, जैसे RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ओके, केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में पास होता है। ओके, उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो है एक्ट 1946 में। ठीक है, इसको जो CVI है ना, इसके कोई एक्ट नहीं बनाया गया था। ये जो वर्क करता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में, 1946 में विशेष दिल्ली पुलिस अधिनियम 1946 के तहत। ओके, उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990। उसके बाद आता है हमारे संविधानेतर संस्था, इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो सरकार के ऑर्डर पर बनाई जाती है, मतलब इसके लिए कोई लॉ पास नहीं होता, इसके लिए हमारे संविधान में कोई आर्टिकल नहीं दिया होता है। ठीक है, इसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में ही रखते हैं। इसमें है हमारा योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, इसको 2014 में रिप्लेस करके उसकी जगह आया था फिर नीति आयोग। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसके बाद है विधि आयोग, ठीक है, वही होगा हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आप लोगों से क्वेश्चन पुट किया था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक एक्ट है ना, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हुई। राष्ट्रीय सूचना आयोग, मतलब जो हमारा 2005 में पारित हुआ था ना ये एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, तो ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये क्या है, स्टेचुटरी बॉडी, एक सांविधिक संस्था है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो हाँ दिल्ली दिल्ली स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट 1946 के तहत वर्क करती है ना, तो ये भी हमारी जो स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, इसमें अब ऑप्शन क्या बचता है हमारा, ऑप्शन है हमारा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 324 के तहत जो है इसका वर्णन है हमारे संविधान में, इसलिए कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निर्वाचन आयोग। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।